हेलो दोस्तों, देखिए हमने 4-3 का एक बॉक्स लिया है, एक सीट ली है 3 मॉडल की, और ये सॉकेट लिए हैं, दो 2 पिन सॉकेट हैं ये, 106 एम्पेयर का देख सकते हैं। और ये स्विच लगा देंगे हम इसमें अच्छे से, दोनों सॉकेट लगा देंगे दोनों साइड एक एक करके, बहुत अच्छे से इसको सेट करेंगे, दबा देंगे अच्छे से, थोड़ा सेट हो जाएगा ये। दूसरा सॉकेट भी लगा देंगे देख सकते हैं आप। इसके बाद में इसके कनेक्शन करेंगे देख सकते हैं, ये पूरा कनेक्ट लग चुके हैं। इसके बाद कनेक्शन करेंगे और ये ब्लैक वाला वायर लगाएंगे सबसे पहले सॉकेट के एक तरफ वाले में, दोनों तरफ लगा लेंगे सॉकेट में, नीचे नीचे में देख सकते हैं, एक तरफ कस दिया हमने, दूसरी तरफ भी लगा देंगे। देखिए इस तरफ भी थोड़ा टाइट कर देंगे अच्छे से, देखिए ब्लैक वायर लग चुका है। इसके बाद ये दोनों वायर लेंगे और ये स्विच में ऊपर की तरफ लगाएंगे, ऊपर साइड स्विच में, और इसको टाइट कर देंगे। इसके वायर के दोनों सिरे एक एक लेके दोनों तरफ सॉकेट में टाइट कर देंगे, एक सॉकेट में इस तरफ कर देंगे, एक सॉकेट दूसरे सॉकेट में भी कर देंगे, दूसरा जो इसका छोर है देखिए एक टाइट हो चुका है अच्छे से, इसका ये दूसरे वाला भी इधर टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं ये टाइट हो गया है, बहुत अच्छे से टाइट करेंगे जिससे लूज ना हो वायर। और इसके बाद इसका इसमें देखिए बॉक्स लिया है, 4-3 का बॉक्स है एक, इस बॉक्स में हॉल कर लेंगे एक वायर निकालने के लिए, और ये हॉल हो चुका है, इसमें वायर निकाल लेंगे। वायर में थोड़ा गांठ लगा देंगे अंदर जिससे खींचे ना बाद में, खींचने पे अंदर से कनेक्शन ना हट जाए। देखिए ये अच्छे से सेट हो चुका है। इसके बाद में वायर छील लेंगे, वायर छील के देखिए इसको थोड़ा घुमा लेंगे, वायर को ट्विस्ट कर लेंगे जिससे वायर इधर उधर बिखरे ना, थोड़ा अच्छे से सेट हो जाए। और इस वायरों को इसमें ब्लैक जहाँ हमने कसा था ब्लैक को थोड़ा लूज करके ये ब्लैक वायर भी लगा देंगे इसी में, तो ब्लैक वायर हमारा लग चुका है देख सकते हैं आप। इसको टाइट कर देंगे, देखिए टाइट हो गया है। इसके बाद रेड वायर नीचे वाले स्विच में, नीचे की साइड लगा देंगे स्विच में, देखिए लग चुका है। और इसके बाद देखिए कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है देख सकते हैं आप, कनेक्शन हो गए पूरे कंप्लीट। इसके बाद इस बोर्ड को टाइट कर देंगे, देखिए ये पेच हमने टाइट कर दिए अच्छे से, देखिए टाइट हो चुके हैं। इसके बाद इसकी ये सीट लगा देंगे ऊपर से, और सीट को थोड़ा अच्छे से दबाएंगे जिससे इसके नक्के वगैरह होते हैं जो सही से सेट हो जाएँ। और ये देखिए बोर्ड तैयार हो चुका है हमारा। इसके बाद इसमें 2 पिन ये प्लग लगाएंगे, एक 2 पिन टॉप है ये, इसको लगाएंगे, इसको खोल लेंगे सबसे पहले। देखिए ये हमने खोल लिया है, इसका देखिए दोनों ये कनेक्टर ले लेंगे 2 पिन वाले, और इसमें ये वायर छील रखा है, इस वायर को ट्विस्ट करके थोड़ा सा, इस वायर को थोड़े एंटे लगा के और इसमें कनेक्शन कर देंगे। देखिए इसको थोड़ा लूज़ कर लेंगे दोनों को, पिनों को, इनको पिन लूज कर लिए हैं, इसमें वायर अंदर चला जाएगा अच्छे से। और देखिए ये वायर इसमें अंदर चला गया, और ये इसको टाइट कर देंगे अच्छे से देख सकते हैं आप, थोड़ा अच्छे से टाइट करें जिससे खींचे ना थोड़ा। और ये वायर टाइट करते कर दिया हमने अच्छे से बढ़िया से, इसको फिर से सेट करेंगे देख सकते हैं। इसका देखिए पीछे एक क्लिप होती है वायर को दबाने के लिए जिससे वायर खींचे ना, तो ये वायर खोल लेंगे और ये क्लिप खोल के और क्लिप को इसमें दबा देंगे थोड़ा, वायरों को दबा के और दोबारा इसको टाइट कर देंगे। देखिए फिर से टाइट कर देंगे इसको, थोड़ा अच्छे से टाइट करेंगे जिससे वायर लूज ना रहे, वायर लूज रह जाएगा तो निकल जाएगा देखिए। और ये वायर इसमें हमने टाइट कर दिया है आप देख सकते हैं। और इसका ये दूसरे वाला लेंगे, ढक्कन लेंगे इसके टॉप का, और ये प्लग का दूसरा ढक्कन लेके और इसको टाइट कर देंगे, इसको भी टाइट कर देंगे देख सकते हैं आप। और देखिए बोर्ड हमारा बन के तैयार हो चुका है, पूरा बोर्ड कंप्लीट है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बोर्ड बना है। और इसमें चार्जर वगैरह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, 2 पिन वाला जो भी सामान होता है, बहुत अच्छे से इसमें काम करेगा, ये एक्सटेंड बोर्ड बन